आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। मैं रमेश कुमार यादव, आइए आपको दिखाते हैं खबरों की हकीकत। सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के उतई छोर पर बहने वाली घाघरा नदी के बाढ़ से लगभग सैकड़ों गाँव चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वही नेताओं का भी दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में सपा नेताओं के साथ शनिवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा किया गया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर समस्या से रूबरू हुए और बाढ़ पीड़ितों को यथासंभव मदद करने का आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर हवलदार यादव, सगड़ी विधायक हृदय नारायण पटेल सहित आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, ये जो बाढ़ की पानी है लगभग महुला गढ़वल बांध 45 किलोमीटर तक ग्रसित है और यहाँ पे व्यवस्था जो है नाव की बहुत कम की गई है। देखिए, अभी आपके हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बताए, हम लोग जो नाव से घूम करके देखे हैं, डेढ़ दो सौ घर है जो कि एकदम डूबा हुआ है। आज का कोई व्यवस्था नहीं, न खाने पीने की है, न कोई व्यवस्था है, बंधा टूट गया। अगर ये बरसात के पहले अगर इसकी आ करके देख रेख करते, मरम्मत करते, यहाँ जहाँ जोर पड़ गई, जहाँ कमजोर था उसको मिट्टी डाल के तो ठीक करते, ये नौबत नहीं आती। करके जिले से लेकर लखनऊ तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाने का काम करें, गाँव करें। सर, इसको 1998 से ज़्यादा बाढ़ मतलब पानी आ चुका है, लेकिन अभी तक बाढ़ ग्रसित मतलब घोषित नहीं हुई है। ये तो पहले हो जाना चाहिए था। बाढ़ कई दिन से चल रही है, लगभग हम लोग तो देर हम लोगों का हो गया कि हम सब लोगों के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के गरीबों के नेता माननीय नेताजी नहीं रहे, हम लोग उधर चले गए थे। नहीं तो हम लोग आके पहले बात करते, हल्ला करते। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन को चाहिए था कि यह बाढ़ ग्रस्त घोषित करना चाहिए, यहाँ के लोगों को सुविधाएँ देनी चाहिए, यहाँ के लोगों के जो मकान गिरे हैं उनका देना चाहिए, जो सामान बर्बाद हुआ उसका देना चाहिए, और इन लोगों को विस्थापित करने के लिए इनको अलग से जगह दे करके इनको विस्थापित करने का काम शासन प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन यह सरकार अंधी है। आप देखे होंगे इनके एक एमपी गोंडा के ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने कहा आज तक ऐसी सरकार मैंने देखा ही नहीं, बाढ़ आ गई कोई व्यवस्था सरकार की नहीं। वो कह रहे हैं हम तो अपने अपनी बात हम किससे कहें, लेकिन उन्होंने बात